आज की ये वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, यदि दो अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से चार कम हो। ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो चलिए इसको हल करते हैं। लेकिन हल करने से पहले, अगर चैनल पर आप नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही नॉलेज की वीडियो प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा। ध्यान दीजिएगा, दो अंकों की बात करी जा रही है और लास्ट में ये भी कहा गया है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से चार कम है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना दहाई का अंक एक्स तथा इकाई का अंक वाई है। हमने दहाई का अंक एक्स और इकाई का अंक वाई मान लिया, ठीक। अब प्रश्नानुसार अब क्या करेंगे, यहां पर संख्या ज्ञात करना है ना, तो पहले वह संख्या लिख लेते हैं। क्या होगा, दहाई का अंक क्या एक्स, तो दहाई को हम 10 से गुणा करते हैं और प्लस इकाई को हम वाई को हम एक से गुणा करेंगे। इकाई को हम एक से गुणा करते हैं तो एक से गुणा करेंगे तो वाई ही आएगा, ठीक। कह रहा प्रश्न में अंकों को पलटने से बनी संख्या है ना, तो अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या होगी बताओ। यहाँ पर भाई वो संख्या टेन एक्स प्लस वाई है, तो अंक पलट जाएंगे वाई को एक्स के स्थान पर, एक्स को वाई के स्थान पर, ठीक है। तो दस वाई हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा इतना। अब प्रश्नानुसार काम करेंगे, प्रश्न कह रहा है कि वह संख्या दो अंकों की और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का जो योग है वो 110 है। तो जो ये संख्या है 10x plus y ये वाली, ठीक, और जो पलटने अंकों को पलटने से बनी संख्या है 10y plus x, इनका जो योग है वो 110 के बराबर बताया जा रहा है प्रश्न में, ठीक। यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 11x हो जाएगा, 10x plus x 11x और y plus 10y 11y बराबर 110 हो जाएगा, है ना। अब इधर क्या हो जाए, 11 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा x plus y बराबर ये मल्टीप्लाई भी इधर आएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर क्या बचेगा x plus y बराबर 10। समीकरण एक बना दिए। अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से चार कम है, जो इकाई का अंक वाई माना है ये दहाई के अंक से चार कम है, मतलब एक्स माइनस वाई बराबर चार, ठीक। ये समीकरण दो बन गया, समीकरण एक ये है, समीकरण दो ये है। समीकरण एक और दो को जोड़ने पर एक धन दो क्या मिलेगा हमें, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर चार धन 10। वाई माइनस में वाई प्लस में कट जाएगा, 2x बराबर 14, तो x बराबर क्या होगा 7 आ जाएगा, और y का मान यहां से निकाल लेंगे तो y बराबर क्या होगा x माइनस 4, तो 7 माइनस 4 बराबर क्या होगा 3, तो y का मान क्या आ गया 3, ठीक। अब हमें अंक निकालना है, तो भाई ये संख्या निकालनी है, सॉरी, ठीक है, हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो ये संख्या में इसमें हम रख देंगे तो 10 गुणे एक्स का मान कितना है 7 और वाई का मान कितना है 3, तो 70 धन 3 बराबर क्या होगा 73, ये हमारा आंसर हो जाएगा 73। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा 73। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नया आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज की वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।